अयोध्या में राम मंदिर बनाने को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार केंद्रीय कैबिनेट ने राम मंदिर ट्रस्ट बनाने को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राम मंदिर ट्रस्ट बनाने का ऐलान किया। इस ट्रस्ट का नाम श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र रखा गया। लोकसभा में पीएम मोदी ने अयोध्या में सरकार द्वारा कब्जाई गई 67 एकड़ जमीन को भी ट्रस्ट को देने की बात कही। अब 67 एकड़ गैर विवादित जमीन और 2.5 एकड़ विवादित जमीन दोनों ही राम मंदिर ट्रस्ट के पास होंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ही अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित फैसलों को लेगा। पीएम मोदी ने लोकसभा में राम मंदिर ट्रस्ट का ऐलान करने के साथ ही मस्जिद के लिए भी जमीन का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च अदालत के आदेश के अनुसार गहन विचार विमर्श और संवाद के बाद अयोध्या में 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को आवंटित करने का अनुरोध यूपी सरकार से किया गया। इस पर राज्य सरकार ने भी अपनी सहमति प्रदान कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके इस फैसले का स्वागत किया। योगी ने ट्वीट में लिखा कि पीएम मोदी को प्रभु श्रीराम के जन्मस्थान पर एक भव्य मंदिर बनाने के लिए एक स्वायत्त ट्रस्ट का गठन करने के लिए धन्यवाद। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पूरी तरह स्वतंत्र और मंदिर निर्माण से संबंधित सभी फैसले लेने में सक्षम होगा। इसके साथ ही योगी ने लिखा जय श्रीराम। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम मंदिर ट्रस्ट के गठन का ऐलान करने के साथ ही योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या के धनीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। लोक भवन में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को हरी झंडी दे दी गई। योगी सरकार ने अयोध्या के धनीपुर गांव में सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बाबरी मस्जिद केस में जमीन दी जा रही है। ये जमीन लखनऊ अयोध्या हाईवे पर अयोध्या से करीब 20 किलोमीटर पहले है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर जानकारी दी कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में 15 ट्रस्टी होंगे, जिसमें से एक ट्रस्टी हमेशा दलित समाज से रहेगा। इसमें राजनीति से भी जुड़ा कोई प्रतिनिधि नहीं होगा। उन्होंने इस ट्रस्ट की घोषणा करने के लिए पीएम मोदी को बधाई दी है। बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने की घोषणा का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह अयोध्या के लिए गर्व की बात है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मस्जिद के लिए भी जमीन चिन्हित कर दी है। दोनों का निर्माण एक साथ होना चाहिए। अयोध्या में मस्जिद भी बनाएंगे, अस्पताल और स्कूल भी बनाएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के गठन का ऐलान होने के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने कहा कि मेरी ये इच्छा रही है कि मेरे जीवन काल में राम मंदिर बन जाए, अब वो पूरी हो जाएगी। उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बधाई दी। कल्याण सिंह ने कहा कि सिर्फ दलित ही नहीं, पिछड़े भी राम भक्त होते हैं, उन्हें भी ट्रस्ट में जगह मिलनी चाहिए। एआईएमआईएम पार्टी के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने राम मंदिर ट्रस्ट गठन पर कहा कि संसद का सत्र चल रहा है, ये 11 तारीख को खत्म हो रहा है। ये ऐलान 8 तारीख को किया जा सकता था। इस ऐलान से लगता है कि बीजेपी को दिल्ली में हार का खतरा सता रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अप्रत्याशित फैसले में राम जन्मभूमि परिसर के रिसीवर पद से यहां के कमिश्नर एमपी अग्रवाल ने को हटा दिया है और अब राम जन्मभूमि परिसर के ट्रस्टी के पद पर अयोध्या के राजा विमलेंद्र मोहन को चार्ज सौंप दिया गया। लंबे समय से रिसीवर के पद पर कमिश्नर ही मुख्य कर्ता धर्ता होते थे। विमलेंद्र मोहन को राम जन्मभूमि का ट्रस्टी बनाए जाने के बाद माना जा रहा है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में इनकी अहम भूमिका हो सकती है। कानून की एक छात्रा से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किए गए पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद जमानत मिलने के बाद बुधवार को जेल से रिहा हो गए। शाहजहांपुर जेल के बाहर समर्थकों ने उनका स्वागत किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें सोमवार को जमानत दे दी थी, लेकिन कानूनी औपचारिकताएं लंबित होने की वजह से उन्हें रिहा नहीं किया जा सका था। एशिया में रक्षा उत्पादों की सबसे बड़ी प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2020 का शानदार तरीके से आगाज हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन किया। रक्षा उपकरणों के कारोबारियों के इस समागम में 70 से ज्यादा देशों की 1028 कंपनियां अपने उत्पादों और तकनीकों का प्रदर्शन कर रही है। इनमें 856 भारतीय और 172 विदेशी कंपनियां हैं। उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे।
लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का आगाज हो गया। 5 दिवसीय मेगा शो में स्वदेशी हथियारों की धूम रहेगी। हथियारों के सबसे बड़े इस मेले में देश के कई बड़े रक्षा उत्पाद भी नजर आएंगे। इस 11वें डिफेंस एक्सपो में दुनिया भर के हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई है। लखनऊ के डिफेंस एक्सपो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधुनिकतम हथियारों का जायजा लिया। पीएम मोदी ने यहां हथियारों को देखा और वर्चुअल शूटिंग रेंज में निशाना भी लगाया। एक्सपो में मौजूद एक्सपर्ट्स ने पीएम मोदी को हथियारों के बारे में जानकारी दी। फिर यहां पर पीएम ने वर्चुअल शूटिंग रेंज में गोलियां भी चलाई। लखनऊ में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक सामने आई। एक शख्स ने पीएम के पास पहुंचने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों ने उस शख्स को बीच में ही रोक लिया। शख्स मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। बुधवार को श्रीनगर के लेवेपोरा इलाके में संदिग्ध आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर कर दिए गए, साथ ही केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स का एक जवान भी शहीद हो गया। निर्भया केस में दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हाईकोर्ट ने दोषियों को अलग अलग फांसी देने की याचिका खारिज की। गृह मंत्रालय ने पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दी थी। हाईकोर्ट ने कहा कि दोषियों को अलग अलग फांसी नहीं दी जा सकती। निर्भया के दोषियों को एक साथ फांसी होगी। 1 हफ्ते में सभी कानूनी कार्रवाइयां पूरी की जाएं। निर्भया के 4 दोषियों को अलग अलग सजा देने से दिल्ली हाईकोर्ट के इनकार करने के बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केंद्र सरकार की दलील है कि कानूनों का दुरुपयोग कर निर्भया के दोषी हर बार सजा से बच रहे हैं। दोषी न्यायिक प्रणाली का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली के शाहीन बाग में बुधवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रदर्शनकारी महिलाओं ने राजनीतिक विश्लेषक गूंजा कपूर पर पुरका पहनकर वीडियो बनाने का आरोप लगाया। ये खबर फैलते ही वहां अफरी तफरी मच गई। शाहीन बाग में महिलाओं ने गूंजा कपूर पर बुरके के अंदर से वीडियो बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह स्टिंग की साजिश थी। पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली तो उन्होंने गूंजा कपूर को हिरासत में ले लिया। इस मामले पर पुलिस का कहना है कि वो एक यूट्यूब चैनल चलाती है और वो महिलाओं से बातचीत करने पहुंची थी। शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी का विवादित बयान सामने आया। वसीम रिजवी ने कहा कि शाहीन बाग भारत की धरती पर एक कलंक है। जो पाकिस्तान से हिंदू अपनी जान बचाकर भागा है, उनको भारत नागरिकता क्यों दे रहा है? क्या इस बात का विरोध हो रहा है? सीए का विरोध इंसानियत के खिलाफ है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में फिर से एक असंसदीय शब्द का इस्तेमाल कर दिया। उन्होंने बीजेपी के एक सदस्य द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना स्वामी विवेकानंद से किए जाने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद आध्यात्मिक गुरु थे, जबकि हम भौतिक युग में हैं। बागपत पहुंचे हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमाधनंद महाराज का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने बढ़ती जनसंख्या को लेकर कहा कि जो 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करे उसकी नागरिकता समाप्त कर देनी चाहिए और उसे कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान की अग्रिम जमानत पर आज होने वाली सुनवाई टल गई। इससे पहले गिरफ्तारी के डर से अब्दुल्ला आजम ने कोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी थी। अब्दुल्ला आजम ने अपने ऊपर चल रहे 3 मामलों में यह अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। पिथौरागढ़ के सीएम पिथौरागढ़ में दरअसल सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली दौरे पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस के पूर्व मुख्य प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि सीएम लगातार दिल्ली के चक्कर तो काट रहे हैं, मगर प्रदेश के विकास के लिए कोई बड़ा आर्थिक पैकेज केंद्र से लाने में नाकामयाब साबित हुए हैं। जोशी ने सीएम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में जितनी भी लूट खसूट हो रही है उसका एक हिस्सा दिल्ली भेंट करने के लिए सीएम लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक हरीश धामी की उपेक्षा मामला दिल्ली दरबार तक पहुंच चुका है। कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने राष्ट्रीय महासचिव वेणुगोपाल राव से मुलाकात कर प्रदेश संगठन के हालात से उन्हें अवगत कराया है। मुलाकात की जानकारी खुद हरीश धामी ने अपनी फेसबुक पोस्ट के जरिए दी। पार्टी हाईकमान से उन्हें मामले में उचित न्याय का आश्वासन मिला है। दिल्ली पहुंचे धारचूला विधायक हरीश धामी ने राष्ट्रीय महासचिव वेणुगोपाल राव से मुलाकात कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी, साथ ही उत्तराखंड कांग्रेस संगठन की स्थिति भी बताई।
मेरठ पीएफआई को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस के अनुसार पीएफआई के गुर्गों ने शहर में हिंसा करने के लिए 300 रुपए देकर भीड़ को इकट्ठा किया। इस लालच में कैंची बनाने वाला 65 वर्षीय सगीर भी आ गया। उसे ये नहीं पता था कि पथराव क्यों किया जा रहा है। सगीर ने पुलिस को सभी बातें विस्तार से बताई। सगीर के अलावा पुलिस ने इसरार और शादाब को भी गिरफ्तार किया, जिनको जेल भेज दिया गया है। मुरादाबाद में सीए के समर्थन में हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने हरपाल नगर में एक अनोखे माता के जागरण का आयोजन किया, जिसमें माता के भजनों के साथ ही भारत माता के जयकारे गूंजे और लोगों ने सीए के प्रति अपना समर्थन भी जताया। वहीं हिंदू युवा वाहिनी के प्रभारी आकाश अग्रवाल ने बताया कि सीए के खिलाफ देश भर में भ्रम फैलाया जा रहा है, जिसे वो दूर करना चाहते हैं। देश भर में जगह जगह सीए और एनआरसी को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है, तो वहीं आजमगढ़ में भी सीए और एनआरसी के खिलाफ कल से प्रदर्शन चल रहा है। जौहरबाग में चल रहे इस प्रदर्शन को पुलिस प्रशासन ने रातों रात खाली करवा दिया। प्रदर्शन के दौरान रात भर में पथराव की सूचना भी मिली। वहीं सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। देहरादून में समाज कल्याण विभाग की ओर से समय से पेंशन न दिए जाने से नाराज कांग्रेसी नेताओं ने 15 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक राजकुमार के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने छात्रवृत्ति, वृद्धा और विधवा पेंशन समय से न मिलने का विरोध किया। पूर्व विधायक ने कहा कि समाज कल्याण विभाग की योजनाओं का लाभ समय से नहीं दिया जा रहा, जिससे लोगों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। जालौन के कालपी में चल रहे एनएच 27 निर्माण कार्य में अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा न मिलने से परेशान लोग अनशन पर बैठ गए। लोगों का आरोप है कि सड़क निर्माण किए जाने के पहले एनएचआई ने आश्वासन दिया था कि सभी प्रभावित लोगों को मुआवजा जल्द ही दिया जाएगा, पर साल भर बीत जाने के बाद भी उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया। लखनऊ के हिंदूवादी नेता रणजीत बच्चन के मामले में बड़ी कामयाबी मिली। एसटीएफ ने गोरखपुर और रायबरेली से 4 लोगों को हिरासत में लिया। गोरखपुर से प्रॉपर्टी डीलर समेत करीबियों से पूछताछ में एसटीएफ जुटी हुई है। सीसीटीवी से मिले शख्स की कदकाठी के आधार पर पुलिस ने इन लोगों को हिरासत में लिया। रविवार को हजरतगंज के ग्रो पार्क में रणजीत बच्चन की हत्या कर दी गई थी। लखीमपुर खीरी में एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को मजदूर बनाकर काम कराया जा रहा है। छात्रों के मजदूर बनने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हड़कंप समझ गया। श्रीनगर गढ़वाल में पुलिस ने नकली किन्नरों के गिरोह का पर्दाफाश किया। यह गिरोह श्रीनगर के आसपास कई दिनों से किन्नर बनकर लोगों से जबरन पैसे ऐंठता था। श्रीनगर के डांग गांव में एक महिला के घर पैसे लेने के नाम पर किन्नरों ने उससे 11,000 रुपए ठग लिए। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गिरोह के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद के संजय नगर में एक शादी वाले घर में बदमाश घुस आया, लेकिन बदमाश अपने मंसूबों में कामयाब होता उससे पहले ही महिलाओं ने उसकी पिटाई कर डाली और उसे पकड़ लिया। घर में शादी थी और सभी पुरुष बारात लेकर मुरादाबाद गए हुए थे। महिलाओं की बहादुरी का यह मंजर वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया। आजमगढ़ जिले के देवगांव कोतवाली इलाके में दुल्हन की चौखट पर बारात लेकर पहुंचने से पहले ही बाइक सवार बदमाशों ने दूल्हे की गोली मारकर हत्या कर दी। परिजन दूल्हे को लेकर सीएससी गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नाराज परिजनों और बारातियों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा मचाया, तोड़फोड़ भी की गई। मेरठ में पति ने पत्नी के घर से पैसा न लाने पर पत्नी के सर के बाल काट दिए। जानकारी के मुताबिक पति आरिफ ने पत्नी रोशनी से अपने पिता से पैसे लाने की फरमाइश रखी, लेकिन पत्नी ने साफ इनकार कर दिया। इस बात से गुस्सा आए पति ने पहले तो अपनी पत्नी के साथ मारपीट की और उसके बाद उसके सिर के बाल काट डाले। सहारनपुर के थाना रामपुर इलाके में डबल मर्डर की वारदात से सनसनी फैल गई। अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर दी। इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। उसके बाद आनंद फानंद में जिले के सभी अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है। औरैया के सदर इलाके में तहसील दिवस में फरियादी बुजुर्ग और व्यक्ति को सरकारी स्टाफ के व्यक्ति द्वारा धक्का देने की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। दरअसल बुजुर्ग व्यक्ति अधिकारियों से पेंशन और राशन कार्ड बनाने की गुहार लगा रहा था, जहां उसके साथ ये अभद्र व्यवहार किया गया। काशीपुर में अवैध शराब माफियाओं का कहर है। देर रात पुलिस दबिश के लिए गई थी, जिसके चलते पुलिस ने दो लोगों को शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को गांव में देखकर ग्रामीण इकट्ठा हो गए, आग बबूला हो उठे। गांव वालों ने दबिश देने आई पुलिस पर पथराव कर दिया और दोनों लोगों को छुड़ा लिया। पुलिस ने घटना के बाद करीब एक दर्जन नामजद और करीब 50 लोगों के खिलाफ अज्ञात मुकदमा दर्ज किया है।
कानपुर में डॉक्टरों की लापरवाही का मामला सामने आया। दरअसल कल्याणपुर इलाके में स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल में एक गर्भवती की मौत हो गई। गर्भवती की मौत से नाराज परिजन हॉस्पिटल में हंगामा करने लगे। परिजनों का कहना है कि गर्भवती की मौत डॉक्टर की लापरवाही से हुई। कानपुर के कमलापुर गांव में बीटेक के छात्र ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मृतक युवक प्रेम प्रसंग की वजह से कई दिनों से तनाव में चल रहा था, जिसकी वजह से उसने यह कदम उठाया। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मुरादाबाद में भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रक और बस की टक्कर में बस में सवार करीब 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां कई लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। कुंद्रखी थाना क्षेत्र के कमालपुर हाईवे पर यह हादसा हुआ। आगरा के रिंग रोड के पास हुई एक दुर्घटना में 5 अमेरिकन बाइकर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दिल्ली से आगरा आ रहे 5 अमेरिकन बाइकर्स को एक कार ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे 5 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। उधर कन्नौज में दर्दनाक कार हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर नहर में गिर गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और भी कुछ लोगों के नहर में गुम होने की आशंका है। हादसे में 3 लोग घायल हुए, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र के उमरदा नहर की ये पूरी घटना। सियाचिन में तैनात टिहरी जिले के सांबली गांव निवासी जवान की ज्यादा ठंड और ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हो गई। जवान की मौत की खबर मिलते ही क्षेत्र में शॉक की लहर दौड़ गई। चंबा ब्लॉक के सांबली गांव निवासी हवालदार रमेश बहुगुणा फरवरी 2002 में बहार रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। अगस्त 2019 में उनकी तैनाती सियाचिन में हुई थी। पीलीभीत के गांव की रहने वाली एक महिला में कोरोना वायरस के लक्षण मिलने की आशंका जाहिर की गई है। पिछले एक महीने से क्षेत्र के कुछ गांव में कनाडा न्यूजीलैंड से लौटे 17 लोगों में ये महिला शामिल है। ये लोग चीन होते हुए भारत पहुंचे हैं। चंपावत में केंद्र सरकार की कोरोना वायरस पर एडवाइजरी के बाद भारत नेपाल सीमा पर स्वास्थ्य विभाग के साथ तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। बनबसा टनकपुर नेपाल बॉर्डर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार नेपाल से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग कर रही है। उत्तराखंड के श्रीनगर में खनन के चलते अलकनंदा नदी से श्रीयंत्र टापू से कीर्तिनगर तक अपना रुख बदल दिया है। ऐसे में अब नदी श्रीनगर के बजाय रानीहाट की तरफ बहने लगी है, जिससे भविष्य में बरसात के दिनों में रानीहाट सहित उफलड़ा आदि क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बन सकता है। राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन गहरे रंग के गुलाबों, सफेद डेजी और ट्यूलिप की लंबी कतारों के साथ अपने वार्षिक उद्यान उत्सव से वसंत का स्वागत करने को तैयार है। राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन लोगों के लिए दीदार के लिए दरअसल तैयार है। राष्ट्रपति भवन परिसर में स्थित यह आकर्षक गार्डन आम जनता के लिए आज से खोल दिया गया है। यह आम जनता के लिए 8 फरवरी तक खुलेगा। रजिस्ट्रेशन निःशुल्क रहेगा और ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकेगा। न्यूजीलैंड दौरे पर लगातार 5 टी20 मैच जीतने के बाद टीम इंडिया को इस दौरे पर पहली बार हार का सामना करना पड़ा। हैमिल्टन में खेले गए पहले वनडे मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 4 विकेट से मात देकर 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली। आखिरकार टी20 सीरीज में लगातार 5 मैचों के बाद मात खाने के बाद कीवियों ने वनडे सीरीज का आगाज जीत के साथ किया।